बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को आप ढूंढने के लिए जो क्लास फाइव की वीडियो है क्लास फाइव लिखें, यूनिट का नंबर लिखें यहाँ पे, जो भी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का नंबर जो है ना क्लास फाइव में वो इस तरह 1, 2, 3 के हिसाब से हैं, वो एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन का नंबर लिखें और सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। इसके अलावा कोई और भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, कोई वीडियो नहीं मिल रही, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा या कभी क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर नदीम मनवर के नाम से मुझे फॉलो करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट जो 4 है ये डेसिमल एंड परसेंटेज के बारे में है, तो ये भी एक ईजी चैप्टर में से एक चैप्टर है। बस इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको ज़रा अगर समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो बेटा इसकी एक्सरसाइज जो 1 है, एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन 1 है, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल्स, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन भी कहते हैं, लेस देन भी कहते हैं और इक्वल टू, तो इन तीनों साइन में से कोई एक साइन यहाँ पर पुट करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर तो जो नंबर ग्रेटर होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ इसका ये जो क्रोकोडाइल होता है उसकी तरफ उसका मुंह करना है। अगर दोनों साइडों पे नंबर इक्वल होंगे तो फिर दरमियान में इक्वल का साइन आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको पेज पे, मैं साथ सॉल्व भी कर देता हूँ। तो देखिए बेटा ये ए पार्ट है, ए पार्ट में यानी कोई भी जब डेसिमल का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले इसका होल पार्ट देखना होता है। होल होल नंबर कौन सा होता है डेसिमल की जो लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है ना, डेसिमल की जो बाएँ साइड पर होता है खब्बे पास से, पहले उसको देखना होता है। इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इस पर तो कोई फैसला ना हुआ कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, दोनों इक्वल ही हैं। अब डेसिमल आ गया दोनों के, तो डेसिमल के अब राइट साइड पे जो बिल्कुल पहला ही डिजिट होता है ना जिसको टेंथ बोलते हैं, टेंथ, ठीक है, जो नॉर्मली होता है वो टेंथ होता है, यानी कि जैसे होता है हम कहते हैं यूनिट वन्स होता है मगर टेंथ, लेकिन इसमें बोलते हैं टेंथ, जो डेसिमल के बाद होता है ना टेंथ, अगर थ की साउंड आनी होती है। तो इसका जो पहला यूनिट है, जो पहला डिजिट है वो टेंथ है, इसका 4 है और इसका 5 है, तो इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, इसमें 5 ग्रेटर होगा, तो जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ इसका फेस हो जाएगा। जो नंबर या जो भी नंबर या डिजिट ग्रेटर होता है ना उसकी तरफ इसका फेस होता है, अगर इधर वाला ग्रेटर होता तो इसकी तरफ, तो ऐसे इसका फेस हो जाना था। अब इसके बी पार्ट पे आ जाएं, इसका देखें पहला इसका भी 1 है, इसका भी होल नंबर में 1 है, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर इसका भी 1 है, होल नंबर इसका भी 1 है। अब नेक्स्ट वाले में आ जाएं, डेसिमल के बाद जो टेंथ है, इसका टेंथ जो 3 है इसका टेंथ 6 है, तो 6 वाला नंबर ग्रेटर होगा, तो इस तरह ग्रेटर की तरफ इस, तो इसकी तरफ इसका मुँह कर देंगे, जो क्रोकोडाइल का मुँह होता है ना इसका इस तरफ कर देंगे, ये जैसे ये चिमटा कह लेंगे ऐसे इसका मुँह हमेशा ग्रेटर साइड पर होता है, और इसकी जो बैक होती है ये स्मॉलर साइड पे होती है, तो ये नंबर स्मॉलर है ये ग्रेटर है, तो इसकी स्मॉलर की बैक इधर हो जाएगी और ग्रेटर इस तरफ हो जाएगा। अब इस पे आ जाएं, इसका देखें सी पार्ट में होल नंबर पे आ जाएं, इसका 34 है और इसका 35 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, तो 35 ही ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर की तरफ इसका मुँह कर देना होता है। अब नेक्स्ट वाले में आ जाएं, इसका 6 है, इसका भी 6 है होल नंबर, इस पर तो कोई डिसाइड ना हुआ, फिर डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इस ये भी दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे भी कोई फैसला ना हुआ कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। उससे नेक्स्ट वाले में आ जाएं, ठीक है, टेंथ के बाद होता है 100, जैसे 100 होता है 100, उसके आगे TH 100, तो इस या वैसे कह लें कि इसका जो दूसरा डिजिट है डेसिमल के बाद वो 7 है, इसका जो डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट वो 9 है, तो 9 वाला ग्रेटर हो जाएगा, तो ग्रेटर की तरफ इसका फेस कर देंगे। इसका भी देखिए 0.45 है, इसका भी 0.45 है, दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल है ना, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। हमने इन तीनों में से कोई साइन भी तीनों में से लगाने, इक्वल भी हमारे पास ऑप्शन है, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट एफ पार्ट पे आ जाएं, इसका देखिए होल नंबर 23 है, इसका होल नंबर 51 है, तो 51 वाला ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर की तरफ हमने इसका फेस करना होता है। अब आ जाए जी पार्ट भी पहले पार्ट से डिफरेंट है थोड़ा सा, वो किस तरह से डिफरेंट है वो देखें, इसका भी होल नंबर 71 है, इसका भी 71 है, यहाँ पे तो कोई डिसाइड ना हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो होती है कि डेसिमल के बाद जो बिल्कुल डेसिमल के साथ वाला डिजिट होता है उसको बोलते हैं टेंथ, तो इसका टेंथ 2 है और इसका टेंथ 0 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ये टेंथ इसका 2 है, ये 2 वाला बड़ा होगा, ये 0 वाला छोटा होगा, तो ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर की तरफ हमने फेस कर देना है, ठीक है ना, ये ग्रेटर की तरफ। अब इस पर आ जाए नेक्स्ट वाले में, इसमें देखें बेटा कि ये
इसका भी होल नंबर 6 है, इसका भी होल नंबर 6 है, इस पे तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, दोनों इक्वल हैं। अब इसके डेसिमल के साथ 0 है और इसका डेसिमल के साथ वाला 1 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, ये 1 वाला ग्रेटर हुआ, तो ग्रेटर की तरफ हम फेस कर देंगे। बट डेसिमल की तरफ से हमने चलना होता है, इधर को भी और इधर को भी, तो इसके डेसिमल के साथ 0 है जो इस तरफ बिल्कुल पहला है, यानी कि हमने डेसिमल की तरफ से चलना होता है, इधर से नहीं आना होता है, डेसिमल की तरफ से, तो इसकी डेसिमल के साथ 1 है, तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। आप जो नेक्स्ट आई पार्ट है, ये भी थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है तो ईजी है लेकिन डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है, इसके देखें, इधर होल नंबर 0 है, इसका होल नंबर 4 है, इसका भी होल नंबर 4 है, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, तो ये आगे डेसिमल आ गया, इसका भी डेसिमल आ गया, इसके डेसिमल के बाद 8 है और इसका भी डेसिमल के बाद 8 है। तो डेसिमल के बाद अगर हम ना राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एंड पे जितने चाहे जीरो हम लगा सकते हैं, उससे कोई उसकी जीरो की वैल्यू नहीं होती है, समझ के अगर जरूरत पड़े तो हम लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक डेसिमल के बाद अगर जीरो हम चाहें तो हम लिख सकते हैं, जितने मर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका भी 8 के बाद 0 ही है और इसका भी 8 के बाद 0 ही है, तो ये नंबर दोनों इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।